girl, but she got big dreams. She got big can't dreams. Touch me, I got instincts. Locked in the house, but I'm hiding in things. I brought a gang to the party. What the fuck? Come on, bro, you got खुशी खुशी मिलती है भाई जब चैनल मोनेटाइज होने वाला हो। बट एक सरप्राइज है, मैं मोनेटाइज करूँगा या नहीं करूँगा। बिग थैंक्स मेरे भाइयों को, ठीक है। तो अभी मेरे सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं एकदम मजे में चौकस, बस बढ़िया, क्योंकि बाकी सब बढ़िया है। और गाइस आज मैं पूरे 6 महीने बाद अपने दोस्तों से मिलने वाला हूँ। तो वहां पर हम बहुत ज्यादा मस्ती करेंगे, बहुत ज्यादा मजे करेंगे और वो सब मजे मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में बैठे हो क्या कर रहे हो यार, 5-10 मिनट निकाल के भाई का वीडियो देख लो। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। आपने हेयर स्पा के बारे में बड़ा सुना होगा, आई होप करता हूँ आपने सुना ही होगा, और सुना है तो देखो उसमें बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, हमारे पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं क्योंकि महीने महीने में हमें कराना पड़ता है। तो गाइस वाओ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके लिए लाए हेयर मास्क, और ये ऐसा शानदार हेयर मास्क है, मैंने इसको 1.5-2 महीने हो गए अप्लाई करते हुए, बहुत ज्यादा अच्छा है बिकॉज मेरे को हेयर स्पा की बहुत जरूरत थी, क्योंकि तुम देख सकते हो तुम्हारे भाई के कितने बड़े बड़े बाल हो रहे हैं, धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं। तो गाइज मैं बस आपको ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स बाय करना तो आप इसे बाय कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा है ये। इस तरह के कुछ ऐसा दिखता है ये, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इसकी स्मेल फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस एक बहुत बढ़िया शानदार मेरा फेवरेट दोस्त हमारे क्रू में आ चुका है, रवि भाई। रवि भाई कुछ बोलना चाहोगे व्लॉग में? व्लॉग हो रहा है भाई, व्हाट द फक। तो गाइस अभी है ना आने वाले हैं, हम एक बंदे का और वेट कर रहे हैं, वो आएगा, देन उसके बाद में हम एक और को लेने जाएंगे। ऐसे हम आगे बढ़ते चलेंगे और सबको लेने के बाद फिर हम मचाते हैं बहुत बढ़िया चीजें। आप व्लॉग को पूरा देखना, स्किप कहीं मत करना, क्योंकि मजे बहुत आने वाले हैं। A few minutes later. तो गाइस जैसा कि मैंने कहा था कि 1 से बढ़ के 3 हो चुके, 3 से बढ़ के हम 5 हो चुके, और अभी हम 5 जने हैं, और बेसिकली अभी और ज्यादा जने आते जा रहे हैं और आते जाओ ज्वाइन करते जाओ। हमारे सारे दोस्त पुराने, हम सब मिले, बहुत मस्ती करेंगे गाइज। बस जल्दी से हम पिक कर रहे हैं और कुछ खाने का सामान ले रहे हैं अभी हम, और कुछ खा पी के फिर बस सारे जने आएंगे उनका वेट करके, फिर हम कुछ अच्छे से कैफे वगैरह जाने का प्लान कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। गाइज देख लो अभी हम चाय पीने आए हैं यहाँ पे, क्योंकि कॉफी ऑर्डर करी है, तो कॉफी पीने आए हैं और कॉफी पी के हम यहाँ पर आए हैं। अभी कोई जानता ही एरिया तो अलग बात है। तो गाइज अभी मैं एक ऐसी बात करने वाला हूँ मेरे दोस्तों से। गाइज लिसन, मेरे पास है ना एक सरप्राइज है, मतलब एक बात बतानी, देखते हैं कि तुम्हारे रिएक्शन क्या होंगे, ऑडियंस को दिखाना है। मेरे सिर्फ 200 घंटे के आसपास कुछ बचे वॉच टाइम कंप्लीट होने में, मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला है। तो देखा खुशी मिलती है भाई जब चैनल मोनेटाइज होने वाला हो। बट एक सरप्राइज है, मैं मोनेटाइज करूंगा या नहीं करूंगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा, सो उसके पीछे भी एक रीजन है। अभी हम करते हैं मजे, कॉफी पीते, कॉफी आ चुकी है, कॉफी पीना भी जरूरी है क्योंकि खुद को एनर्जेटिक रखना है। सो लेट्स सी क्या करते हैं। 5 minutes later. तो गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे लोगों ने सुना है कि उनके फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए तभी वो आगे बढ़ पाते हैं, तो मैं धीरे धीरे अपने अभी जितने भी बंदे उनका इंट्रो देता हूँ। सबसे पहले भाई का इंट्रो देता हूँ, भाई करता क्या है, तो भाई अपनी जवानी से बता दो। तो मैं ही बता देता हूँ गाइज, देखो भाई है ना एक्चुअली क्या है कि एक रैपर चल रहा है। तो गाइज ये भाई है ना अपना रैप करता है, इंग्लिश रैप करता है, और ये मतलब टीचर भी एक जो इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। तो ये अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है अभी, ठीक है। और ये मेरा भाई है जो कि नाइट जॉब करता है और मतलब उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, लिरिक्स वगैरह लिखता है। ये एक रैपर है, ठीक है, जो कि मतलब डे में काम करता है। और ये मेरा एक दोस्त है जो कि है अपना इवेंट मैनेजर है, ये इवेंट्स मैनेज करता है, जो भी शादी एंड ऑल होती पार्टीज वगैरह। और ये मेरा एक दोस्त है जो कि है ना मतलब साइंटिफिक चीजें करता है, मतलब एक्सपेरिमेंट करता है एंड ऑल, इसका भी एक अच्छा सा पेज है। तो मेनली मेरा कहने का मतलब यही था कि अपने जिंदगी में ऐसे दोस्त रखो जो कि कुछ कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें उनसे मोटिवेशन मिलता है। कि बोलते हैं ना अपने 5 दोस्त हमें दिखा दो, हम आपको आपका फ्यूचर बता देंगे, तो वो एग्जैक्ट बात सही है,
क्योंकि अगर आप अपने लाइफ में अच्छे दोस्त रखोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि उनसे आपको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और ज्यादातर मुझे यही लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो बिग थैंक्स मेरे भाइयों को, ठीक है। तो अभी मेरे तो गाइज अभी और भी बंदे आ रहे हैं, अब देखते हैं वो आ रहे हैं कब आएंगे, फोन लगाया तो बस आ ही रहे हैं। और अभी हम जाते हैं कैफे में, मैंने सोचा पूल खेलने का बड़ा मन कर रहा तो पूल खेलेंगे, तो लेट्स सी चलते हैं और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो गाइज अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं कहाँ पे भैया? We gonna roll up somewhere which is like which place? क्या कैफे जा रहे हैं? We gonna be in the good place and fuck that shit. कैफे. कहाँ जा रहे हैं? कैफे. कैफे. अब निकल रहे हैं. We are on the way to the cafe, bitch. मिलते हैं डायरेक्ट वहीं पे. चल. A few minutes later. ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा? अरे मैया, तू तो देख लियो। भाई सब अपने माइंडसेट के साथ जाते हैं। थोड़े दिन सिंपल सा रूल देता हूँ, ठीक है। पांच सेकंड का रूल बना दे। अब मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ, अगर तू समझ सकता है एक एग्जांपल से समझ लियो। Few moments later. 25,000 are less. Guys, ये बंदा सच में बहुत डिप्रेस्ड है, बट मेरे को पता है भी इसमें क्या बीत रही है। बिकॉज वही बंदे समझ सकते हैं जिंदगी में जिनके साथ कुछ गलत हुआ हो, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है, मतलब मेरे को नहीं पता था यार इतनी टेंशन में। मैं आफ्टर 6 महीने इतने टाइम बाद मिला हूँ इनसे, तो पता पड़ा कि सबकी लाइफ में, मतलब मेरे को लगता था मेरी लाइफ में दिक्कत है, बट यार सबकी लाइफ में। पूजा का क्या शूट कर रहा है भाई, दर्द बांटते हमारा है, दर्द बांट रहा है। गाइस यार अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई दिक्कत चल रही है तो दोस्तों से मिलो यार, मेरा फोन नंबर डाल दो, डोनेशन कर देना। डोनेशन तो गाइस देखो आपकी लाइफ में भी टेंशन चल रही है तो उसको सॉल्व करने के बहुत सारी चीजें हैं, आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब अपने दोस्तों से मिलो यार, मतलब बहुत सारी चीजें अगर आप अपने दोस्तों से मिलोगे, मैंने पहले भी एक ब्लॉग में कहा था कि अगर आप अपने दोस्तों से मिलोगे तो बहुत सारी चीजें सीखोगे, और मतलब सक्सेसफुल दोस्तों से मिलना कभी भी अपने लाइफ में इसकी नजर में है, बट मेरी और हमारी नजर में ये सक्सेसफुल है, ठीक है। क्योंकि ये लाइफ में बहुत सारी ठोकर खा रहा है और ठोकर खाने से ही इंसान सीखता है। तो आप भी अपने दोस्तों से मिलो और मिल के मस्ती करो, मतलब उनसे शेयर करो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। ठोकरें भी एक हद तक अच्छी लगती है, ज्यादा लगती है ना तो फिर वो आदत सी बन जाती है सहने की। आदत सहने की हो तो सहने की सीखो, उस चीज को सीखो, ठीक है गाइस। वो आदत ऐसी बन जाती है ना कि बंदा सोचता है वो करके भी ठोकर खाना तो ठोकर ही खाता है, चलो ना ब्रो। दैट्स व्हाई ये रैपर बना है, इसके शब्द सुनना गाइस, मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसके चैनल का, जाके इसको सुनना। बहुत तगड़ी और खुद के लिखे हैं इसमें, चोरी नहीं। तो देखते हैं कौन कौन आता है और मस्ती करते हैं हम, जब तक के लिए आप बने। कोई नहीं आ रहा, पूरा ब्लॉग देखो। कोई नहीं आ रहा, नोबडी आ रहा। फोन करो, फोन ही नहीं उठा रहे, फोन ही नहीं उठा रहे। वो आ रहा, फोन नहीं उठा रहा। तू आना तो खुलवा देंगे। गाइस एक बंदा आया, गाइस ये इसको जानते हो गाइस, ये इसको जानते हो गाइस, याद है ना गाइस। इसने लिटरली बाल देखो कितने बड़े कर रखे भाई, सब कुछ मिल गया। गाइस कोई टिप्स बता दो भाई हमें, हमारे ऑडियंस को कोई टिप्स बता दो कि कैसे बड़े करे यार। गाइस ये भी मेरा एक दोस्त है जो कि एक क्रिमिनल रैपर है, रैपर क्रिमिनल नहीं, आई मीन टू से रैपर है, जो कि अच्छा खासा अभी स्टार्टअप मारा है इसने। तो भाई वो भी देखो, ठीक है, सब्सक्राइब करना चैनल का नाम, सब्सक्राइब किसका? तेरे चैनल का 2.0 स्टूडियो, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। चाय पिएगा क्या? चाय पीने पसीना आ गया। तो गाइज अभी है ना हम पबजी का एक मैच कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जितना भी बिल बना है ना वो पे करके आएगा। A few minutes later. Fuck यार, हार गए मैं यार, सॉरी यार। गाइस देखो अब मैं कितने से आ रहा है एक बार बता देता हूँ। ये कुछ ऐसा है, मतलब 20 किल मेरे और ये हराम थोड़ा कम पड़ गया और 29 किल इसके प्रिंस के, तो हम हार गए। अभी हम बिल पे कर गए। ओके सो गाइस इस ब्लॉग को एंड करने का वक्त आ गया है, मैं बोल भी नहीं पा यार।
गाइज मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, लिटरली बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने बहुत मजे करे और गाइज इतने टाइम से जो मेरा मन था और एक मेरा छोटा सा सपना भी था जो मैंने पूरा कर लिया है कि अपने दोस्तों को अपनी कार में बिठा के गेड़िया मारना, वो हमने कर लिया है। फुल मस्ती करी हमने, मतलब अब जितनी भी मस्ती करी तुमने देख ली होगी, बिहाइंड द सीन्स में भी हमने बहुत मजे करे। तो गाइज मेन मेरा मोटिव यही था इस ब्लॉग को बनाने का कि अगर आप भी स्टक हो रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ बहुत टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, तो गाइज इसलिए बोलता हूँ कि कभी ना कभी मतलब थोड़ा वक्त निकाला करो, अपने दोस्तों से मिलके आ जाया करो, कहीं ना कहीं तुम्हें भी अच्छा लगेगा। और होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक करो और सब्सक्राइब का बटन दिया है। गाइज फ्री है, तुम्हें सब्सक्राइब करना फ्री है, फैमिली को ज्वाइन करो और सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ यार, मतलब जल्दी फिर मजे करेंगे। 10K पे बहुत सारी चीजें सोची है मैंने, जल्दी जल्दी करेंगे। तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। और हाँ गाइज अगर आपको कुछ मेरे को बताना है कि मैं और क्या कर सकता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तो आप नीचे कमेंट का सेक्शन आपके लिए है, कमेंट करो गाइज प्लीज। अगर आप परेशान हो, जैसे कि मैंने आपको दिखाया मेरा एक दोस्त परेशान था, तो प्लीज ऐसे परेशान मत हुआ करो, अपने मतलब बहुत सारे काम है करने को, आप करते रहा करो, क्योंकि बिजी लाइफ रहेगी तो आप है ना इन सब चीजों से दूर रहोगे और आप फुल अच्छे से रहोगे। और मेरे को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा हर बार की तरह क्योंकि पंखा बंद है, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट, पीस इन लव, बाय। के बादल है दुनिया ये मादर है, छोड़ रजोरी से दादर है, शोर वाइब जैसे कान में कादर है, बादशाह भी बोले लड़का ये पागल है, पागल है।